बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात कर रहे हैं इरीगेशन सिस्टम जो हमारा है, कैनाल इरीगेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आज हमने क्या डिस्कस करना है? कैनाल इरीगेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली हमारे मुल्क में यानी कि जो हेडवर्क क्या होता है, बैराज क्या होता है, हमारे मुल्क में कौन सी एनुअल कैनाल्स हैं, कौन सी पेरिनियल कैनाल्स हैं, यानी कि हमारा निज़ाम आबपाशी है क्या। ठीक है, जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे ईस्टर्न रिवर्स थे उनका कंट्रोल इंडिया के पास चला गया और वेस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल किसके पास आ गया? पाकिस्तान के पास आ गया। उसके बाद एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, जहां वो हमारा पॉश इलाका जहां लहरें ईस्टर्न रिवर से निकलती थी वहां पानी अवेलेबल नहीं था क्योंकि दरिया में कुछ हो गए थे, तो उनको आपस में कनेक्ट कैसे किया गया? थ्रू लिंक कैनाल्स। तो हम स्टार्ट लेते हैं बैराज से। बैराज क्या होता है? बैराज बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो हम दरिया के ऊपर से कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल एक ऑब्स्ट्रक्शन होती है। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा बहुत हम पानी को स्टोर भी कर सकते हैं, यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा सकती है। बेसिकली बैराज में हम जो उसके दरिया के ऊपर जो उसके गेट्स होते हैं उनको गिरा के हम पानी का लेवल हाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से बैराज से नहर निकलती है, मगर बैराज में एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या देता है कि हम यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है हेडवर्क के दरमियान और बैराज के दरमियान? हेडवर्क भी दरिया के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाता है जहां से हम नहर निकालते हैं, मगर इसमें हम दरिया के पानी का लेवल नहीं बढ़ाते, पानी के लेवल को नहीं बढ़ाएंगे, वैसे ही उस पानी को डाइवर्ट करेंगे इनटू कैनाल। मगर बैराज में क्या होगा कि हम यहाँ पानी का लेवल रेज करेंगे, जब पानी का लेवल रेज होगा, जब पानी हाइट से नीचे आएगा टर्बाइन से पड़ेगा, तो वो वहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं, जो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपके बैराज का। वो क्या है कि हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये पानी की हेडवर्क है। अभी आप इसे देख रहे हैं कि किस तरह ये हेडवर्क से आप इधर से पानी को रोक के हम कैनाल में डाइवर्ट करेंगे। हेडवर्क के अंदर भी हम एक ऑब्स्ट्रक्शन देंगे पानी को, क्योंकि जब पानी को रोकेंगे उसके फ्लो को रोकेंगे तभी पानी डाइवर्ट होगा ना नहरों के अंदर। ये बेसिकली बैराज है आपके पास। अब काफी हम मुख्तलिफ बैराजेस हैं, जैसे ये तोसा बैराज है। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमने ये देखना है कि पाकिस्तान में बैराजेस कौन कौन से हैं। कादराबाद बैराज, रसूल बैराज, सिद्धमाई बैराज, सुलेमान की बैराज, तोसा बैराज, पीहू बैराज, ये इस्लाम बैराज, ये वैसे गुड्डू बैराज है, बलोकी है, चश्मा है, तो ये है हमारे बैराज। नेक्स्ट, हेडवर्क कौन कौन से? खानकी हमारा हेडवर्क है, मंगला हेडवर्क है और मोहम्मद वाला हेडवर्क है। नेक्स्ट, अब डैम क्या होता है? डैम बेसिकली एक वाटर रिजर्वायर, एक वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर है। हमारे पास इश्यू क्या है कि गर्मी के मौसम में, सर्दियों में पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी होती है, सर्दियों के अंदर हमारे पास बारिश नहीं होती, हमारा क्योंकि जो रेनी सीजन है वो कब आता है? गर्मी में आता है, जैसे मानसून का हमारी बारिशों के साथ मानसून का सिस्टम है ना। तो बेसिकली गर्मियों के अंदर हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि जो सर्दियों में बर्फ पड़ी होती है वो बर्फ पिघलती है। ठीक है, वो पानी दरियाओं में आता है, उसके साथ साथ मानसून की बारिशें होती हैं वो पानी भी आता है। तो अगर वो पानी है, जब वो पानी हमारी जरूरत से ज्यादा होगा तो फ्लड आएगा, उससे सैलाब आएंगे, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम डैम बना सकते हैं। ठीक है, डैम जैसे हमारे पास मंगला डैम है, चश्मा हमारे पास डैम है, तरबेला डैम है। तो बेसिकली ये पानी के बड़े स्टोरेज स्ट्रक्चर है, जैसे आपके घर में पानी वाली टंकी है ना, सब पानी स्टोर किया हुआ है। तो हम लोग डैम में क्या करते हैं, गर्मियों में जो हमारे पास एक्सेस वाटर होता है डैम में स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद सर्दियों के मौसम में उसको यूज करते हैं। आप देखते हैं ना, सर्दियों के मौसम में हम गंदम लगाते हैं तो गंदम के लिए इरीगेशन का पानी, 3 इरीगेशन गंदम को चाहिए होती है, तो जो हमारी एनुअल कैनाल है उससे 3 दफा पानी आता है गर्मी के मौसम में। वो पानी कहाँ से आ रहा है? वो डैम से अंदर पानी स्टोर होता है। और डैम एक्स्ट्रा हमें क्या दे रहे होते हैं? अगर हम टर्बाइन से तो हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी दे रहे होते हैं। जब डैम से पानी रिलीज करते हैं ना, पानी सीधा के अंदर पड़ता है, टर्बाइन से पड़ता है, वो रोटेट करके जनरेटर रोटेट करता है, बिजली पैदा होती है। नेक्स्ट, अब पाकिस्तान के अंदर बात करें तो कितने डैम हैं? पाकिस्तान के अंदर 3 बड़े डैम हैं, ठीक है, और 85 छोटे डैम हैं। 3 बड़े डैम्स का मैंने आपको बता दिया, छोटे डैम्स कहाँ हैं? जैसे आप चटवाल जाएं, ठीक है, द्रापी डैम है, हमारे कोटवार का इलाका है, या ये अगर आप सिर्फ डिजी माँ वाली साइड पर जाएं जो रोहतक का इलाका है, तो वहां भी डैम्स बनाए गए हैं जो
आपको पता है जो ये रोड वही का इलाका है, जहाँ गर्मी में बहुत बारिश होती है और बहुत एक्सेसिव वाटर होता है, उसको उस डैम में स्टोर किया जाता है और बाद में वो पानी किधर यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसके अंदर बेला डैम है। अब ये पहाड़ देखिए ना, बेसिकली पीछे पहाड़ उसको उसकी दीवारें डैम की दीवारें पहाड़। डैम कैसे बनता है, क्योंकि ये सब पहाड़ी सिलसिला है और दरिया उस पहाड़ों के दरमियान से गुजर रहे हैं। हम क्या करते हैं उसके जहां से दरिया गुजर रहा है उसको सेंटर से वहां दीवार बना देते हैं, एक सीमेंटेड दीवार बना देते हैं, वो पानी को क्या करती है रोक लेती है, पीछे पानी रुक जाता है। अब ये देखो पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे आगे होने की इतनी गहरी है, तो ये पीछे क्या हो पानी स्टोर हो गया, एक नेचुरल बेसिन डैम बन गया, समझ आ रही। उसके बाद फिर जैसे ऊपर होती है डैम के दरवाजे को पानी को रिलीज करते हैं, नीचे होती है टर्बाइंस, जिस पानी की वजह से ये टर्बाइंस चलती है और साथ साथ बिजली पैदा होती है। अब ये पाकिस्तान का कैनाल सिस्टम है, दुनिया का कहते हैं कितना लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम है। बेटी अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा, उनमें से एक नेमत यह है कि हमारा कैनाल सिस्टम ग्रेविटी फ्लो पे चल रहा है। कैसे, अब मिस्र के अंदर की नहरें मगर वहां की नहरों का लेवल जमीन के लेवल से नीचे है, उन्होंने अगर नहरी पानी में लगाना होता है वो लोग क्या करते हैं, वो आपका पीट इंजन लगाते हैं, सक्शन पंप लगाते हैं, उससे नहरी पानी को अपलिफ्ट करके अपने खेत में लगाते हैं। हमने क्या किया, हमने अपनी नहरों को तबाह कर दिया। आप ये देखें जितनी भी हमारे शहरों की सिवरेज है किधर जा रही है, नहरों में जा रही है, दरियाओं में जा रही है, उससे वाटर क्वालिटी के इशू आ रहे हैं। अब हमारे रोड में तीन किस्म की कैनाल है, एक प्रीमियर कैनाल है, प्रीमियर कैनाल कौन सी थी जो सारा साल बहती है, प्रीमियर कैनाल किन इलाकों में होती है, जहाँ ग्राउंड वाटर ब्रैकिश होता है, जिन इलाकों में जेर जमीन पानी कड़वा होता है वहाँ कौन सी नहरें निकाली गई है, प्रीमियर कैनाल जो सारा साल बहने वाली नहरें, ताकि वो लोग कम से कम ट्यूबवेल वाला पानी लगाएं ताकि उनकी जमीनें खराब ना हो। उसके बाद है नॉन प्रीमियर कैनाल, इसमें एनुअल कैनाल आ जाएगी जो सारा साल नहीं बहती, जो कब बहती है तो गर्मी में बैठती है यानी कि वो फ्लो करती है, या सर्दियों के अंदर उनके अंदर मखसूस औकात में पानी छोड़ा जाता है ताकि हमारी जो सर्दियों की फसलें हैं जैसे गंदम हो गई, जैसे आपकी जौ हो गई, जैसे जई हो गई, उनको इरिगेट करने के लिए। और एक है इनंडेशन कैनाल, इनंडेशन कैनाल कौन सी है जो सैलाब के दिनों में बहती है। अब आपको पता है कि पीछे से सैलाबी रेल आ रहे हैं, 10 लाख उसी का रेल आ रहा है, ठीक है, फ्लड आ रहा है उसके अंदर उसका फ्लो कितने 10 लाख, आगे जो हमारा बराज है उसकी कैपेसिटी है 9 लाख, अगर वो सारे का सारा पानी आगे आएगा हेडवर्क के ऊपर आएगा तो हमारा हेडवर्क या बिराज तबाह हो जाएगा ना, जब उसकी कैपेसिटी से पानी ज्यादा है तो तबाह हो जाएगा ना स्ट्रक्चर, यानी कि उसकी पुल के ऊपर से पानी उतर के चला जाएगा। तो अब क्या करते हैं उसके एक्स्ट्रा पानी को ऐसे इनंडेशन कैनाल के जरिए एक तरफ से वो पानी लेके जाते हैं और बिराज पास लाके दोबारा फिर दरिया में डाल देते हैं। उससे क्या बेनिफिट होता है, उससे बेनिफिट ये होता है जो हमारे बिलियन ऑफ रुपीज के जो स्ट्रक्चर है बिराजेज है हेडवर्क है इनकी लाइफ बढ़ जाती है, समझ आ रही है। नेक्स्ट में अब प्रीमियम कैनाल तरीके का मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, नेक्स्ट में ये प्रीमियम कैनाल तरीके जो सारा साल बहती है, इसमें लोअर वाली दुआब है, अपर वाली दुआब है, अपर चेनाब है, सिंधाई कैनाल है, ये यानी कि सारा साल बहने वाली नहरें हैं। और बेसिकली ये जो हमारी लिंक कैनाल है ये भी प्रीमियम कैनाल है। लिंक कैनाल क्या होती है, लिंक कैनाल वो कैनाल है जो दरियाओं को आपस में कनेक्ट करती है। मिसाल के तौर पर दरिया रावी का पानी पीछे से बंद है, दरिया सतलुज का पानी नीचे से नहीं आता, मगर आप उनके ऊपर दरियाओं के ऊपर आप विजिट करें, आप तक जाए या ये बिहाड़ी के पास आप देखें हेड स्नान पे जाए वहां पानी चल रहा है, वो पानी किन दरियाओं का है, लिंक के नाम से बनाई गई है। जेहलम का पानी किसमें आएगा, रावी में आएगा, ठीक है, रावी का पानी किसमें आएगा, हेड सुलेमान की सतलुज में आएगा। जेहलम में पानी पीछे से कहाँ से आएगा, चेनाब से आएगा। चेनाब में पानी कहाँ से आएगा, इंडस रिवर से आएगा, यानी कि दरिया सिंध से आएगा। यानी कि जब जेहलम में पानी कम होगा तो पानी किधर से आने, पीछे से दरिया सिंध से आने, रावी में कम होना है तो पीछे कहां से पानी जाने, जेहलम से जाने। तो इस तरह लिंक के नाम से क्या करती है, जो दरियाओं को आपस में लिंक करती है। ये क्यों बनाई गई थी, ये आफ्टर इंडस वाटर ट्रीटी बनाई गई थी ताकि हमारे मुल्क में पानी का बहरान ना हो, पूरे मुल्क में जो यूनिफॉर्म वाटर की सप्लाई हो। अगर लिंक कैनाल ना बनाई जाती तो जिन इलाकों को दरिया रावी सैराब कर रहा था, जिन इलाकों को दरिया सतलुज सैराब कर रहा था, वो इलाके तो बंजर हो जाते, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ये नॉन प्रीमियम कैनाल में जैसे आपको ऑलरेडी बताया कि मानसून के सीजन में ज्यादा बहती है, फ्लो करती है, या सर्दियों के अंदर जब हमारी जो क्रॉप्स को पानी की जरूरत होती है। नेक्स्ट,
इनंडेशन कैनाल जो रेनी सीजन में या फ्लड के दिनों में बैठ जाते हैं। अब हम चलते हैं लिंक कैनाल की तरफ, तो रसूल कादराबाद ने कादराबाद बलोकी ने बलोकी सुलेमान के लिए त्रिमूर सिद्धाई ने सिद्धाई मैसी ने मैसी बहावा ने चश्मा जेलर ने तोमसा पंजल ने। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल चश्मा जेलर ने चश्मा के नाम कहाँ से निकलती है, द्रैसिन से। पानी किसको देती है, द्रैजेलर को, ठीक है। तोमसा की तरफ से निकलती है, एट तोमसा से, ठीक है। इस तरह मेरे लिए सिद्धाई मैसी
अब ये जो रावी रिवर की मुख्तलिफ कैनाल है, ये सतलुज रिवर की जो कैनाल है, यानी कि जो ये इलाका फीड करती है, जैसे कि इसमें सिद्धनाई कैनाल है, आपके बहावलपुर कैनाल, ये यानी कि किन किन एरिया को बेसिकली ये इरीगेट करती है। नेक्स्ट ये जो हमारा चनाब रिवर की कैनाल है, बस अपेंड हो गया, ये जेहलम रिवर की उसके नाम है, आप इतना डिटेल में जाने की जरूरत, बस सिर्फ बताने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि कैनाल का विराज क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर ये नहरी निज़ाम है क्या। आज आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कैसे हमारे दरिया कनेक्टेड हैं, कैसे एक दरिया दूसरे दरिया को फीड कर रहे हैं। आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी व्यूअर्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन लाजमी प्रेस करना है ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।